नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ में कानून का कितना राज है इसका अंदाजा आप सूरजपुर से सामने आई खबर से बखूबी लगा सकते हैं, जहां एक पुलिसकर्मी की बेटी और पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जहां बदमाशों ने सरेआम अपराध को अंजाम दिया। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल ये कि क्या छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, क्या छत्तीसगढ़ में वाकई जंगल राज आ गया है, और सवाल ये भी कि बदमाशों के इस कदर बेखौफ होने के पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले आपको सूरजपुर में हुए पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि कैसे आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया और कैसे अब इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष सरकार पर हमलावर है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। पूरा छत्तीसगढ़ उस वक्त दहल गया जब एक पुलिसकर्मी के परिवार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। पुलिसकर्मी के परिवार में मौजूद उसकी मासूम बेटी और पत्नी पर चाकू और तलवार से हमला किया गया और उसके बाद अर्धनग्न हालत में शव को फेंक दिया गया। इस वारदात ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वही सवाल ये भी कि आखिर क्यों छत्तीसगढ़ में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जा रही है तो वह पुलिसकर्मियों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। सबसे पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल सूरजपुर में एक हेड कांस्टेबल की पत्नी बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। आरोपी ने पहले घर से दोनों का अपहरण किया और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वहीं मामले में मुख्य आरोपी की पहचान हो चुकी है। जिला बदर आरोपी कुलदीप साहू पर हत्या का आरोप है, लेकिन आरोपी पुलिस से बचकर भाग निकला। पुलिस ने आरोपी की कार पर फायरिंग भी की, लेकिन फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रधान आरक्षक काली शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था। ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है, उधर में उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया। ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके के मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियां पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी। इस वारदात के बाद जनता में भी रोष देखने को मिल रहा है। डबल मर्डर के मामले से गुस्साए भीड़ ने आरोपी के घर पर हमला करते हुए घर को आग के हवाले कर दिया। प्रधान आरक्षक की पत्नी और उसके बच्ची की हत्या के बाद जहां एक ओर पुलिस अलर्ट मोड पे है और आरोपी की तलाश में जुट गई है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर स्थानीय लोग की बात करें तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग थाने के बाहर खड़े हैं और ये जो धुआं देख रहे हैं आप, ये जो धुआं है ये आरोपी कुलदीप साहू के घर में जो आक्रोशित भीड़ है उनके द्वारा आग लगा दी गई है। जिस पुलिस प्रशासन पूरे मामले में जहां एक ओर शांति व्यवस्था बनाने में लगी है, वहीं दूसरी ओर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी आरोपी की जो गिरफ्तारी है वो अभी कितने देर में हो पाती है। तो वहीं दूसरी ओर पूरे मामले पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि सभी छत्तीसगढ़वासी बहुत ही कष्ट के साथ प्रदेश को एक भयावह अपराध प्रदेश में तब्दील होते हुए देख रहे हैं। अपराधी निर्भीक है, जैसे उन्हें या तो प्रशासन का डर नहीं या उनके समर्थन पर पूरा भरोसा है। सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या ने एक बार फिर सरकार और कानून व्यवस्था की निष्क्रियता को उजागर किया है। जब एक पुलिसकर्मी का परिवार इस तरह के खतरे में है तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या हाल होगा। सरकार की सुरक्षा व्यवस्था में चूक ने हमारे समाज को एक डरावने भविष्य में धकेल दिया। दुर्दांत अपराधी निर्मम हत्याएं जैसे भयंकर से भयंकर अपराध कर किस प्रकार फरार हो जा रहे हैं,
क्यों पुलिस प्रशासन को इतना कमजोर कर दिया गया है कि वो स्वयं खतरे में है, क्यों लगातार हो रहे अपराध और समाज में फैलते भय के बाद भी सरकार में सुधार की कोई योजना नहीं है। भाजपा सरकार जवाब दे कि आखिर कब तक प्रदेश को ऐसी बर्बरता और अराजकता को सहन करना पड़ेगा। याद रहे, हमारे सुरक्षा बल और उनके परिवार भी छत्तीसगढ़ परिवार का हिस्सा है। उनके विरुद्ध ऐसे अन्याय और अपराध नाकाबिले बर्दाश्त है, अब और खामोशी नहीं। सूरजपुर की घटना निंदनीय घटना है, कांग्रेस पार्टी से कड़ी निंदा करती है और इस घटना का उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस मामले सूरजपुर वाले मामले में और कहीं न कहीं अपराधियों पर कार्रवाई होना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ की जनता में सुख समृद्धि और शांति डर भय मुक्त हो। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में राज्य की कानून व्यवस्था की दुर्दशा की, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और सरकार कानून व्यवस्था से किसी तरह कोई समझौता नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि यहाँ पुलिस कर्मियों का परिवार भी सुरक्षित नहीं है। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका भी अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं कि जब पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई तेज करती है तो बदमाश पुलिस कर्मियों के परिवार के सदस्यों को मौत के घाट उतार रहे हैं। वाकई छत्तीसगढ़ का लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल पूरी तरह ध्वस्त ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। मामले में गुस्साई भीड़ ने एसडीएम सूरजपुर की भी पिटाई कर दी और वहीं दूसरी ओर लोगों ने थाने का घेराव भी कर अपना आक्रोश जाहिर किया। तो एक तरफ जनता में रोष है तो वहीं दूसरी ओर मामले में आईजी सरगुजा रेंज अंकित गर्ग का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। पुलिस की टीमें लगातार आरोपी की पतासाजी में छापेमारी कर रही है और हम शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल होंगे। जितना भी आवश्यक बल होगा हम लगाएंगे और आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। आदतन आरोपी था, बहुत ही कुख्यात आरोपी था। लगातार पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की गई है और आगे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस प्रकार के संपूर्ण कदम लिए गए। तो प्रदेश में भले ही कानून व्यवस्था के दुरुस्त होने की बात कही जा रही हो, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाए। बात करें कवर्धा की तो वहां भी कुछ ऐसी ही घटना देखने को मिली थी, जहां शिव प्रकाश साहू का पेड़ पर लटका हुआ शव मिला था। हत्या के शक में उप सरपंच के घर में आग लगा दी गई थी। हादसे में उप सरपंच रघुनाथ साहू की मौत हो गई थी और मामले में 60 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और इसमें प्रशांत साहू और उसका पूरा परिवार शामिल था, जिसके बाद हिरासत में लिए गए युवक प्रशांत साहू की मौत हो गई। पुलिस की पिटाई से मौत की बात सामने आई थी और पूरा मामला कवर्धा के लोहारी डीह का था, जहां मृतक और आरोपी के बीच पुरानी रंजिश थी जिसको लेकर ये वारदात सामने आई थी। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये क्या हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, लगने लगा है कि शांति का टापू कहे जाने वाले हमारे प्रदेश से कानून नाम की चीज समाप्त हो चुकी है। सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई, उसी हत्यारे ने इस घटना से पहले एक आरक्षक पर गर्म तेल उड़ेला था। जनता के मन में कानून व्यवस्था और सरकार से पूरी तरह से विश्वास इस कदर उठ चुका है कि जनता अब स्वयं न्याय करने पर निकल पड़ी है। घरों में आगजनी की घटनाएं सुनकर व्यथित हूं। कवर्धा के लोहारी डी में यही हुआ था। इससे पहले लोगों ने कलेक्ट्रेट में आग लगा दी थी। मैं सभी से शांति की अपील करता हूं और विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले, शासन प्रशासन से स्थिति नियंत्रित करने की अपेक्षा करता हूं। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से ट्वीट किया गया था। अब ताजा स्थिति क्या बनी हुई है सूरजपुर में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं, ओपी तिवारी हमारे साथ सूरजपुर से मौजूद है। सबसे पहले ओपी तिवारी, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि मौजूदा स्थिति फिलहाल के लिए सूरजपुर में कैसी बनी हुई है, क्या अब पूरी तरह से वहां पर जो भीड़ थी उसको शांत करा लिया गया है और आगे अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? बिल्कुल कीर्ति, भीड़ पे जरूर काबू पा लिया गया है। जो रेंज के आईजी हैं और जो जिले के कलेक्टर हैं, उन्होंने कमान संभाल ली और वहां से बड़ी संख्या में पुलिस बल का उपयोग करके और थाने के बाहर जो उग्र भीड़ थी, जो बड़ी संख्या में सवेरे से भीड़ जमा थी, उनको हटा दिया गया है।
लेकिन अभी भी बताया ये जा रहा है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तब तक वो शांत नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, मैं अभी मौजूद हूँ जो आरोपी है उसके चाचा के गोदाम में। ये वही गोदाम है जहां पर उसके जो यहाँ जो गुस्साए हुए लोग थे उनके द्वारा आगजनी की गई थी। आप देख सकते हैं घंटों बीत चुके हैं आगजनी किए हुए, बावजूद इसके अभी भी जो आग की लपटें हैं वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि पुलिस के द्वारा अब आगे कोई ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए यहां पर पर्याप्त सुरक्षा बल लगाए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि अब आगे चल के बिल्कुल तो मैं लौटूंगी आपके पास ओपी तिवारी और तस्वीरों को देखने की भी कोशिश हम करेंगे। सत्यप्रकाश का एक बार रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, ये जो घटना निकल के सामने आई है इसने हर किसी को सकते में डाल दिया है, चाहे तो कानून व्यवस्था को लेकर के बात करें या गुस्साए भीड़ को लेकर के बात करें, और कोई ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले हमने कवर्धा की घटना को भी देखा था। देखिए कवर्धा के लोहारीडी की घटना से पहले आप बलौदा बाजार की भी घटना देखिए। बलौदा बाजार में किस तरह से कंपोजिट जो कलेक्ट्रेट और एसपी की बिल्डिंग थी उसे जला दिया उग्र भीड़ ने, और उसके पीछे भी कोई ऐसी वजह थी। उन वजहों को जो समाज है वो समाज ये कह रहा था कि उस तरह से हैंडल नहीं किया गया, टेकल नहीं किया गया जिस तरह से समाज चाहता था, और उसके बाद इस तरह से उग्र में वो भीड़ उग्रता में तब्दील हुई और इस तरह की घटना हुई। लोहारीडी की घटना सबके सामने है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बीता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है उससे पुलिस महकमा कुछ सीख लेता भी है या नहीं लेता है, क्योंकि अगर सीख लेता होता तो फिर इस तरह की घटनाएं जो हैं वो रिपीट होती इस बात की संभावना बहुत कम होती, और अलग अगर सीख ले भी रही है तो फिर ये कहा जा सकता है कि जो रफ्तार है वो कछुआ रफ्तार है, वो खरगोश वाली रफ्तार नहीं है। हाँ, उस रफ्तार से लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, लेकिन कब तक ये कहना बहुत मुश्किल है, और फिलहाल तो वो लक्ष्य हासिल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप समझिए कि जो प्रधान आरक्षक कानूनन काम कर रहा हो वो आरोपी की गिरफ्तारी में लगा हुआ, आरोपी को धरपकड़ में लगा हुआ हो, और उसके घर में घुस के इस तरह से उसके परिजनों की उनके परिजनों को अपहरित किया जाता है, अपहरण किया जाता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है, तो समझिए कि फिर रक्षा कौन करेगा लोगों की। लोगों का विश्वास उन पुलिसकर्मियों पे अगर है भी कि वो उनकी रक्षा करेंगे, तो फिर अगर पुलिसकर्मी के ही घर में हो तो फिर लोगों का तो ये भी विश्वास उठ जाएगा कि जब पुलिस अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पा रही है, उनका जब परिवार सुरक्षित नहीं है, तो फिर हमारे परिवार का क्या होगा। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इस घटना के बाद भी मौजूद बने हुए हैं। बहुत बहुत गंभीरता से पुलिस महकमे को सोचना नहीं होगा अब, बल्कि एक्शन लेना होगा। कब तक सोचेंगे, और अगर इसके बावजूद भी इन घटनाओं के सिलसिलेवार तरीका से आने के बाद भी रणनीति के तहत ऐसे एक्शन नहीं लिए गए तो विपक्ष तो आरोप लगाने के लिए बैठा है, और विपक्ष घेर भी रहा है, और विपक्ष का ये काम भी रहा काम भी है, चाहे अभी कांग्रेस विपक्ष में है तो घेर भी रही है कि क्या होता जा रहा है छत्तीसगढ़ शांति का टापू, क्या अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, क्या इस तरह से हौसले बुलंद होते जा रहा है। तो अपने आप में ऐसी घटनाएं जो हैं वो पुलिस महकमे पे कई सारे सवाल खड़े करने वाले हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। और सत्यप्रकाश, ये जो घटना है इसमें कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठता है कि आखिरकार जब पुलिसकर्मी खुद सुरक्षित नहीं है, उसका परिवार खुद सुरक्षित नहीं है, दूसरी तरफ वो तस्वीरें हैं जहां पर भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो जाती है, हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद है लेकिन उसके बावजूद उसको कंट्रोल करना इतना मुश्किल है, अधिकारियों को वहां पर पीट दिया जा रहा है, तो ये कौन सा नया तरीका निकला है अपना विरोध दर्ज कराने का। देखिए इसके दो पहलू विश्लेषक मानते हैं। एक पहलू तो ये मानते हैं कि उनका भरोसा ये कम हो रहा है कि हमें जिस स्तर पे और जिस तरह का न्याय मिलना चाहिए उस तरह का न्याय फौरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए भी कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। लेकिन दूसरा इसका ये भी विश्लेषण किया जा रहा है विश्लेषकों के द्वारा कि लोग अधीर भी हो रहे हैं, उन्हें ये लग रहा है कि जब इस तरह की स्थितियां लगातार देखने को मिल रही है, इस तरह की स्थितियां या आपराधिक मामले कई सारे देखने को मिल रहे हैं, तो वैसे मामलों में रिएक्शन तुरंत करके एक तरह से दबाव भी रहता है कि आरोपी जो है उसको तुरंत से गिरफ्तार किया जाए। लेकिन चाहे
चाहे वजह जो रहे, विश्लेषण जिस तरह से भी होता हो, कानून अपने हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए, ये बार बार सब कहते हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है, वो भी लोगों से ही कहेगा कि कानून अपने हाथ में उग्र होकर नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस महकमे के लोगों से भी हम कहेंगे कि तब तक जब तक कि लोग कानून अपने हाथ में लेने की सोचते हैं और ले लेते हैं, उससे पहले ही उसे किस तरह टेकल किया जाए, किस तरह हैंडल किया जाए, किस तरह से जो है वो समाज को उद्वेलित होने से या लोगों को उद्वेलित होने से बचाया जाए, रोका जाए, क्योंकि भरोसा कहीं ना कहीं पुलिस पर से उठता हुआ लोगों का नजर आ रहा है और इसी वजह से लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जो कि सही नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।